हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डायगनल स्किल का। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों है इंपॉर्टेंट आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। एक कार है जो कि 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जो है ये चल रही है। कंस्ट्रक्ट ए डायगनल स्केल टू शो 1 किलोमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। यहाँ बोल रहा है कि 1 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से अपन यहाँ पे शो करेंगे। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ओके, एंड टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर्स। ओके, मार्क आल्सो ऑन द स्केल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 मीटर्स एंड 5 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स। ठीक है, 5 मिनट 28 सेकेंड जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहेगा, कौन बताओ तो कार, उतने को मुझे यहाँ पे शो भी करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखो। आर एफ पर अपन यहाँ पे निकालें, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं आर एफ इक्वल्स टू। अपने कितना हो, देखो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल टू शो 1 किलोमीटर्स बाई 3 सेंटीमीटर्स। 3 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हुआ कितना, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखो 3 सेंटीमीटर अपॉन में 1 किलोमीटर्स। ओके, तो ये बताओ कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर अपॉन में 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, दैट इज 10 की पावर 5 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सम कैंसिल, तो वी कैन राइट दिस है 3 अपॉन में 10 की पावर 5। ओके, आर एफ यूनिट लेस होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल देखो अपने कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ओके, तो आर एफ देखो अपने कितना यहाँ पे दिया, दैट इज 10 3 अपॉन में 10 की पावर 5 दिया हुआ है, इनटू मैक्सिमम लेंथ देखो आप कितना लिखा है यहाँ पे, टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लिखो 6 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, 3 अपॉन में 10 की पावर 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 5, ये कितने में होगा, सेंटीमीटर में जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हुआ कि नहीं, तो 3 इंटू 6 अब कितना होगा यहाँ पे, दिस इज 18 सेंटीमीटर्स। तो अपने लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा अपने यहाँ पे, 18 सेंटीमीटर्स। तो अच्छी बात है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जो कि अपना कितना दिखाएगा, वो 6 किलोमीटर दिखाएगा। ओके, लेकिन देखो आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ पूछा है। ये स्पेशल ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस को दिखाना है ना, डिस्टेंस कवर कितना करेगा 5 मिनट्स और 28 सेकेंड्स में। आपको यहाँ पे स्पीड दिया, दैट इज़ है ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, 50 किलोमीटर्स पर आवर यहाँ पे स्पीड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझो कि 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस अपने ये ट्रैवल करेगा। ओके, तो 1 आवर में बताओ कितने मिनट्स होते हैं आपके, 60 मिनट्स आपके होते हैं कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए होता है, 5 मिनट्स पर चाहिए। पहले अपन क्या करेंगे, 5 मिनट्स का निकालेंगे, फिर अपन 28 सेकेंड्स का निकालेंगे, फिर आपस में उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये बताओ आपको 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, ये 1 मिनट में आपको हो जाएगा 50 अपॉन में 60 किलोमीटर्स। ओके, तो ये 1 मिनट जो होता है आपको कितना, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 50 अपॉन 60 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मुझे बताओ 5 मिनट्स कितने मिलेगा यहाँ पे, 5 मिनट्स का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 50 अपॉन में 60 किलोमीटर्स। इसको आप यहाँ पे निकाल लो, तो देखो मुझे 5 मिनट मिला कि यहाँ पे, वैसे देखो आपके 60 सेकेंड्स में अगर आपको इतना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना देखो किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ये 50 अपॉन में 60 इंटू 60 किलोमीटर्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करेगा, तो 28 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कैसे निकालोगे, तो 28 इंटू 50 अपॉन में 60 इंटू 60, ये अपने कितने में रहेगा, किलोमीटर्स में रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब यहाँ पे वैल्यू को निकालोगे ना, ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, तो इसके वैल्यू को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप जब इसके वैल्यू को निकालोगे ना, तो डेसिमल के बाद ना मैक्सिमम 2 वैल्यू को लेना। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू को लेना, तो ये भी कितने में आएगा, ये किलोमीटर में आएगा, ये अपना कितने में किलोमीटर आएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, 5 मिनट्स और 28 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स, मैं आपका 28 लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर 28 सेकेंड्स
इज, जितना मुझे याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको जो डिस्टेंस है वो आपको अराउंड अराउंड 4.56 किलोमीटर्स के आसपास का कुछ आएगा, है ना। कुछ बच्चों का 4.54 आता है, कुछ बच्चों का 5.55 आता है, कुछ बच्चों का 4.56 किलोमीटर्स में आता है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4.56 किलोमीटर का आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, तो देखो इसको अपन बनाएं कैसे। आपने यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल ड्रॉ किया दैट इज़ ऑफ 18 मीटर्स, लेकिन वो प्रैक्टिकल है कितना बताओ, 6 किलोमीटर है ना। तो मान लो इसी टाइप का कुछ अपने बनाया वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसको बताओ हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ये जो है ये आपको क्या है, एक्चुअली 6 किलोमीटर्स है। ओके, तो 6 किलोमीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपन 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, नीचे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 6 पार्ट डिवाइड करने के बाद इसको लेकर के इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 10 पार्ट में नहीं होगा, कितना होगा, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो है ना, मैं आपको एक डेमो भी दे दूंगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में, आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। उसमें जो है मेरे एक स्टूडेंट ने बैठ के उसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक रियल टाइम वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसको पहले अपन 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब 6 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक एक भाग कितने का होगा आपका, एक एक किलोमीटर का होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 किलोमीटर आपका रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना हेक्टामीटर आपका होता है, 10 हेक्टामीटर होता है। फिर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले को अपन कितने में डिवाइड करेंगे, अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक डेकामीटर मिलेगा, क्योंकि 1 हेक्टामीटर कितना डेकामीटर आपका होता है, 10 डेकामीटर होता है। तो यहाँ पर जो आपको मिला एक एक डेका एक एक हेक्टामीटर आपको जो मिला है, उसको हम क्या करेंगे, 10 10 डेकामीटर्स में उसको अपन डिवाइड कर लेंगे। तो इस टाइप से अपना बनेगा ये। लेकिन देखो फाइनली आपको पूछा कि यहाँ पे 4.56 किलोमीटर का यहाँ पे शो भी करना है, जिसको आप आराम से शो कर सकते हो। 4 अपना किलोमीटर का होगा, 5 अपना हेक्टामीटर का होगा, और 6 जो अपना जो दिया है दैट विल बी इन डेकामीटर्स, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।